गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर छोकर एंड आई एम अगेन बैक विद फिफ्थ चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बाय एच जी वेल्स। एवरीबडी नोज दैट एच जी वेल्स इज अ फेमस राइटर नोन फॉर इट्स साइंस फिक्शन एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बेस्ड ऑन साइंस फिक्शन के बारे में। And the title of the story is quite attractive and it has been aptly chosen as the main title for his collection of stories. इस कहानी में फुटप्रिंट्स विदाउट फिट में ग्रिफिन जो कि एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट है, विम्सिकल साइंटिस्ट है, एक सन की वैज्ञानिक है वो, और जो कि एक लॉलेस पर्सन भी है, कानून को मानने वाला व्यक्ति नहीं है। ही जस्ट डिस्कवर्ड अ ड्रग विच इज एबल टू मेक अ ह्यूमन बीइंग इनविजिबल आफ्टर रिमूविंग द क्लोथ्स विदाउट क्लोथ्स। ये इस चैप्टर में ग्रिफिन जो कि एक वैज्ञानिक है, लॉलेस पर्सन भी है, कानून को नहीं मानता, बहुत अच्छा वैज्ञानिक है दो, यद्यपि वो एक ड्रग की, एक दवाई की, एक मेडिसिन की डिस्कवरी करता है जो व्यक्ति को इनविजिबल बना दे, अदृश्य कर दे। कब अदृश्य करेगी? जब वो कपड़े उतार देगा अपने सारे। द स्टोरी ऑल्सो सेंटर्स अराउंड द साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन हु हैज इन्वेंटेड द मेथड वेयर बाय अ मैन कैन बिकम विजिबल। ही एक्सपेरिमेंट्स ऑन हिमसेल्फ एंड स्वेलोज सम ड्रग्स। अपने ऊपर ही वो एक्सपेरिमेंट करता है और कुछ ड्रग्स को क्या करता है, स्वेलो कर जाता है, निगल लेता है, ले लेता है, यानी टू मेक हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट लाइक अ शीट ऑफ ग्लास। द ऑथर नरेट्स सम एपिसोड विच टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ हिज इनविजिबिलिटी। कुछ ऑथर जो है हमारे एच जी वेल्स है, कुछ एपिसोड्स दिखाते हैं यहाँ। तो जैसे फर्स्ट एपिसोड ग्रिफिन का ही है, सेंट्रिक साइंटिस्ट है, लॉलेस पर्सन है, डिस्कवर करता है ड्रग को और इनविजिबल हो जाता है। कब? जब वो विदाउट क्लोथ्स होता है। सेकंड पॉइंट जो स्टोरी का बनता है, पहले ब्रीफ स्टोरी देख लेते हैं, देन वील डू इट इन डिटेल्स, फिर डिटेल में करेंगे पूरा चैप्टर। लैंडलॉर्ड डजंट लाइक द लैंडलॉर्ड, अपने लैंडलॉर्ड को पसंद नहीं करता, और ग्रिफिन क्या करता है, नेगिंग जब वो करते हैं, ताक झांक करते हैं, तो ग्रिफिन सेट्स फायर, आग लगा देते हैं टू द लैंडलॉर्ड्स हाउस, लैंडलॉर्ड के घर में। फिर अपने धीरे धीरे करके अपने कपड़े रिमूव कर देता है, उतार देता है, और फिर वो अदृश्य हो जाता है, इनविजिबल। व्हेन टू लंडन बॉयज हु वर पासिंग फ्रॉम देयर दे सो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट दे वर शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। जब दो लंदन के बच्चे, यहाँ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है बच्चों, जब लंदन बॉय अब चेक कर रहे होते हैं कि ये देखो, ये रहे टू लंदन बॉयज, क्या चेक कर रहे होते हैं, ये चेक कर रहे होते हैं कि ये जो फुटप्रिंट्स हैं, बिना पैरों के निशान है, पैरों के कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। उन्होंने उसका फॉलो किया, उसको फॉलो किया, लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे जैसे कीचड़ कम होता गया पैरों से, वो पैरों के निशान गायब हो गए और वो सरप्राइज हो गए। फिर ग्रिफिन ने, सभी को पता है ये विंटर का टाइम था, ग्रिफिन हैज़ टेकन अ बैड टाइम फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत बुरा टाइम ले लिया, बिकॉज विंटर में सभी को पता है इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू रिमेन विदाउट क्लोथ्स, बेयर क्लोथ्स, बिना कपड़ों के रहना सबके लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। तो आगे देखते हैं, टू बॉयज सरप्राइज हो गए। अब लंदन स्टोर पे फिर आगे चला जाता है, लंदन स्टोर में अब कपड़े नहीं थे, तो अपने आप को किस लिए गया था, फॉर वार्म्थ, अपने आप को गर्म करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ से भी जब कपड़े पहन के और खा पी के वहाँ थोड़ी देर लेट जाता है, सो जाता है, स्लीप करता है, तो फिर जब सुबह, ही कुडंट वर्क वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी नहीं जागा। तो कर्मचारी जैसे ही वहाँ आते हैं तो ग्रिफिन को सोया हुआ पाते हैं और वो आश्चर्यचकित होते हैं, वो अंदर स्टोर के कैसे गया। अब वहाँ से ग्रिफिन भाग जाता है, कहाँ जाता है भाग के, अब नीचे नज़र आ रहा है फिफ्थ पॉइंट आपको, ड्रेरी लेन,
ड्रेरी लेन की तरफ चला जाता है। क्या है ड्रेरी लेन? सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड, थिएटर वर्ल्ड का सेंटर है ड्रेरी लेन। ड्रेरी लेन से होते हुए वो एक शॉप पे जाता है और वहां पे क्या करता है, वो शॉपकीपर के ही पे ही अटैक कर देता है। अटैक द शॉपकीपर, बैंडेजेज, ग्लासेस, फॉल्स नोज एंड लार्ज हैट। यहाँ वो क्या करता है, अपने फोरहेड पे, माथे पे बैंडेज लगा लेता है, ग्लासेस लगाता है, फॉल्स नोज, एक नकली नोज लगाता है, नाक लगाता है, एंड लार्ज हैट और बड़ा सा एक कैप पहनता है। अटैक द शॉपकीपर एंड रोब्ड, और वहाँ क्या करता है, वो अपने शॉपकीपर पे अटैक कर देता है और उसको लूट लेता है, रोबरी कर देता है वहाँ पे। फिर वहाँ से दौड़ता दौड़ता भागता भागता अपने क्लोथ्स तो उतार ही रखे थे, आइपिंग विलेज पहुँच जाता है। पैसे थे ही अब उसके पास क्योंकि उसने शॉपकीपर को रोब कर लिया, लूट लिया। आइपिंग विलेज, आइपिंग विलेज में ग्रिफिन का पहुँचना, इट बिकम्स स्ट्रेंज फॉर अ स्ट्रेंजर हु जस्ट कम्स एट दिस ओड टाइम। इस विचित्र टाइम पे जो आता है, क्योंकि इतनी सर्दी में कोई वहाँ आता नहीं, लेकिन ग्रिफिन का वहाँ जाना लोगों में कौतूहल का विषय हो जाता है। और मिसिज हॉल जो है, जो लैंडलॉर्ड की वाइफ है, लैंडलॉर्ड्स वाइफ है, पॉइंट नंबर 7 देखिए, सी इज पेड इन एडवांस, उसको एडवांस में किराया दे दिया जाता है। सी वॉन्ट्स टू बी फ्रेंड ऑफ मिस्टर ग्रिफिन, लेकिन ही डिनाइज, ही सेज दैट ही वॉन्ट्स आइसोलेशन। मिसेज हॉल जो है वो ग्रिफिन की दोस्त बनना चाहती है, उससे दोस्ती करना चाहती है, लेकिन ग्रिफिन कहता है कि वो तो अकेलापन, आइसोलेशन पसंद करता है वो, क्योंकि उसे पेड एडवांस में मिल गया तो वो चुप रहती है। फिर थोड़े दिन बाद ग्रिफिन के पैसे, धीरे धीरे सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ से ग्रिफिन जो है, ग्रिफिन के पैसे ख़त्म हो गए तो वो किराए के लिए कहता है कि उसका चेक आने वाला है, हिज चेक इज कमिंग, इज ऑन द वे, रास्ते में है, और वो कहता है कुछ दिनों में उसका चेक आ जाएगा, वो दे देगा। क्या करता है यहाँ से ग्रिफिन, पॉइंट नंबर 8 में, क्लर्गी मैन जो होता है, एक पादरी है वहाँ पे, उसके वहाँ पे चोरी कर लेता है, स्टीलिंग, ही स्टील्स। और वापस जैसे ही पैरों के, सॉरी, कॉइन्स के खनखनाहट होती है, बड़ा अजीब एटमॉस्फेयर हो जाता है वहाँ, और ग्रिफिन गुस्से में आके अटैक कर देता है मिस्टर एंड मिसेज हॉल पे। मिस्टर एंड मिसेज हॉल कौन है, जो आइपिंग विलेज, जो ये सामने नज़र आ रहा है आपको, ये आइपिंग विलेज जिसमें उसने किराया लिया, किराए पे लिया था घर, वहाँ पे उन मिस्टर एंड मिसेज हॉल पे वो अटैक कर देता। द पुलिस इज कॉल्ड अप, पुलिस को बुलाया जाता है, मिस्टर जेफर जो कि एक कॉफ है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, कॉन्स्टेबल है, वो आता है। बट इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू अरेस्ट अ हेडलेस मैन, क्योंकि ग्रिफिन ने अपनी कैप, अपनी बैंडेज, वो सारी चीज़ें उतार दी। और यहाँ पे ग्रिफिन जो है वो अटैक कर देता है, पुलिस ऑफिसर को भी नॉक करके गिरा देता है, एंड बिकेम, और एक करके अपने सारे कपड़े रिमूव कर देता है, और बिकम्स इनविजिबल। इट इज़ अगेन वेरी मच शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग फॉर द विलेजर्स टू टेक होल्ड ओवर द लॉलेस पर्सन हु इज़ इनविजिबल, जो अदृश्य है। तो एक बार देखते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, लेट्स रीड द चैप्टर इन डिटेल। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बाय एच जी वेल्स, कैन अ मैन बिकम इनविजिबल। पोइट राइटर यहाँ पे क्वेश्चन करता है हमें कि क्या कोई व्यक्ति इनविजिबल बन सकता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। दिस इज द स्टोरी इन विच अ साइंटिस्ट फाइंड्स आउट, डिस्कवर्स हाउ टू बिकम इनविजिबल। डज ही यूज और मिसयूज इज डिस्कवरी, क्या वो साइंटिस्ट अपने डिस्कवरी का यूज करता है या मिसयूज करता है, लेट्स चेक। रीड एंड फाइंड आउट, हाउ डिड द इनविजुअल मैन फर्स्ट बिकम इनविजुअल, कैसे बना इनविजुअल, व्हाई वाज, सेकंड, व्हाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट, गली में क्यों घूम रहा था। तो चलिए पढ़ते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ फेयर ऑफ बेयर फीट। जो टू लंदन बॉयज थे उन्हें दो पैरों के निशान दिखाई दिए, मड्डी, मड्डी मीन्स कीचड़, मड, इम्प्रिंट्स मीन्स प्रिंट, छाप, पदचाप, ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, नंगे पैरों का, नंगे पैरों के निशान नज़र आए उन्हें।
What was a barefooted man doing on the steps of a house? क्या कर रहा था एक व्यक्ति, नंगे पैरों वाला व्यक्ति, उस घर की सीढ़ियों पे, इन द मिडल ऑफ लंडन, लंडन के बीच में. एंड वेयर वॉज द मैन, कहाँ था, क्योंकि इनविजिबल हो चुका था, कहाँ था वो व्यक्ति. एज एज दे गेज्ड, जैसे ही वो गेज्ड मीन्स सरप्राइजिंग आइज से देखना, टकटकी लगा के देखना. अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, एक ध्यान देने योग्य नज़ारा उन्हें नजर आया. अ फ्रेश फुट मार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, नया पैर का निशान नजर आया, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से आया था, क्योंकि पैर तो थे नहीं. फर्दर फुटप्रिंट्स अलाउड, आगे और फुटप्रिंट फॉलोड, और फुटप्रिंट्स होते गए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक. डिसेंडिंग द स्टेप्स, क्योंकि वो सीढ़ियों से, स्टेयर से नीचे उतर रहा था, तो डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मीन्स टू कम डाउन, नीचे उतर रहा था. द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और नीचे स्ट्रीट में नीचे प्रोग्रेस कर रहा था, नीचे जा रहा था, आगे बढ़ रहा था, बढ़ रहे थे यानी वो पैरों के निशान. द बॉयज फॉलोड, लड़के उसके पीछे पीछे गए. फैसिनेटेड, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो गए. अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक कि वो मडी मीन्स कीचड़ से भरे हुए, इम्प्रेशन मीन्स पैरों के निशान, जब तक फेंटर फेंटर, फेंटर होता फोगी, धुंधले धुंधले ना होते गए. एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टूगेदर, और अंत में ख़त्म ना हो गए. यहाँ कहानी में एच जी वेल्स हमें बताता कि हाउ टू लंडन बॉयज़ वर सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट्स विदाउट फिट. दे आफ्टर सम टाइम दे बिकेम फेंट फेंट एंड देन डिसअपियर. कहाँ से आए थे फुटप्रिंट्स, अब कहानी बिगिन होती है, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों. अब देखते हैं द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. कहना आसान है, एक्सप्लेनेशन जो है इस मिस्ट्री का, इस रहस्य का, इज रियली सिंपल इनफ, बहुत आसान है कहना. द बीविल्डर्ड बॉयज, बीविल्डर्ड मीन्स कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज हुए हुए बॉयज़ लड़के, हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, वो किसका पीछा कर रहे थे, अब पैरों के निशान किसके थे, एक साइंटिस्ट के, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने अभी अभी खोज की थी कि कैसे मनुष्य के शरीर को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, आर पार उसमें से देखा जाए. ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ग्रिफिन कौन है, साइंटिस्ट, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के बाद वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, टू प्रूव दैट, ये सिद्ध करने के लिए, द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मानव शरीर को भी अदृश्य किया जा सकता है. फाइनली ही स्वेल्डोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और अंत में उसने क्या किया, स्वेल्डोज मीन्स गल्प्ड, निगल लिया कुछ निश्चित दुर्लभ ड्रग्स मीन्स मेडिसिन, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास. देखो पोइटिक डिवाइस टेक्स्ट में यूज हुई है, एज एज सिमिली, ठीक है ना, देखो ये रही एज एज सिमिली, ये रहा एज एज सिमिली, पोइटिक डिवाइस सिमिली, एज अ सीट ऑफ ग्लास, जैसे ग्लास की सीट में से आर पार देख सकते हैं, ऐसे ही उसकी बॉडी में से देख सकते थे. दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन जैसे ग्लास सॉलिड होता है वैसे ये भी सॉलिड रही. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, क्योंकि वो बहुत अच्छा वैज्ञानिक था, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, हम समरी में डिस्कस कर चुके हैं, वो कानून को न मानने वाला व्यक्ति था, लॉलेस पर्सन था. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसके जो मकान मालिक थे उसे डिसलाइक करते थे, नापसंद करते थे, एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट मीन्स आउट, उसको घर से बाहर फेंकना, निकालना चाहते थे, इजेक्ट मीन्स आउट. इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, देखो कैसा बदमाश व्यक्ति था भाई, अब घर से बाहर निकालना चाह रहे थे मकान मालिक, तो उनको क्या कर देता, घर में आग लगा देते था. देखो कमाल की बात है, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, घर में आग लगा दी. टू गेट अवे विदाउट बींग सीन, बिना दिखे वहाँ से निकलने के लिए, ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़े उतारने थे उसे. दज इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर, इसलिए अब वो गर्भहीन, वॉन्डरर मीन्स एमलेस, इधर उधर टहलने को, मूविंग को बोलते हैं वॉन्डरर, अ पर्सन हु मूव्स एमलेसली हेयर एंड डेयर, यहाँ वहाँ जो टहलता है उसको बोलते हैं वॉन्डरर. विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के था, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, क्वाइट एकदम से, एट वंस वो कैसा बन गया था, अदृश्य, इनविजिबल. अनटिल ही हैपन्ड टू स्टेप इन सम मड, जब तक कि उसके पैर
कीचड़ में न पड़े एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। और अब वो चलने लगा तो उसके पैरों के निशान क्योंकि कीचड़ में सने हुए थे और वो उसने कपड़े उतार रखे थे तो ही बिकेम इनविजिबल। और यहीं ये कहानी चलती है कि कैसे टू लंदन बॉयज़ ने उसके पैरों के निशानों को देखा। अब आप समझ गए होंगे अपने लैंडलॉर्ड अपने मकान मालिक के उससे चिढ़ता था और जब उन्होंने उसको बाहर निकालना चाहा तो उसने उनके घर में ही सेट फायर टू द हाउस एंड बिकेम होमलेस और वहाँ से निकल गया घर में आग लगा के। और तब उसके पैर कीचड़ में पड़े और तब उसने पैरों के निशान उसके नज़र आए। ठीक है, अब नेक्स्ट, ही एस्केप्ड इजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन। आसानी से बच के निकल गया उन लड़कों से जो उसके पैरों के निशान लंदन में ढूंढ रहे। सीधी सी बात है, कौन पीछा करेगा जब नज़र ही नहीं आ रहा, कोई इनविजिबल है। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जो साहसिक कारमाने थे उसके कष्ट थे वो अभी ख़त्म नहीं हुए थे। ही हैड चोजन अ बैड टाइम फॉर द ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंदन विदाउट क्लोज। वर्ष का सबसे बुरा समय उसने ले लिया था। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो है वहाँ सर्दी का टाइम था और सर्दी के टाइम में मिड विंटर था, उसमें कपड़े उतार के बिना कपड़ों के रहना बहुत मुश्किल था। इट वॉज मिड विंटर, विंटर बीच में थी, बिल्कुल चरम पे थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बिल्कुल काटने वाली सर्दी थी, बिटरली कोल्ड चुभने वाली सर्दी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और बिना कपड़ों के वो नहीं रह सकता था। ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट में गली में जाने की बजाय, सॉरी, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इन टू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्म्थ। गली में इधर उधर भटकने की बजाय उसने डिसाइडेड किया, निर्णय लिया टू स्लीप कि वो चला जाए इन टू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्म्थ, अपने आप को गर्म करने के लिए। वार्म होता है अपने आप को गर्म करना। क्लोजिंग टाइम पे जब स्टोर बंद होता है ना उसको बोलते हैं क्लोजिंग टाइम। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, वो शाम का क्लोजिंग टाइम आ गया। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग। तो ग्रिफिन ने अपने आप को कपड़ों में रखा, यानी अपने आप को कपड़ों की गर्मी का उसने आनंद महसूस किया। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और बिना कोई खर्च किए खाना खाया वहाँ स्टोर से। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज, उसने बक्से तोड़ दिए, वही दुकान में था, कुछ भी कर सकता है। एंड रैपर्स और लिफाफे फाड़ दिए। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर लिया गर्म कपड़ों में। सून विद शूज, शीघ्र ही उसने जूते पहन लिए। एन ओवरकोट, एक ओवरकोट पहन लिया। एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक अच्छा विशाल सजा हुआ, ब्रिम्ड मीन्स डेकोरेटेड हैट पहन लिया, अच्छा सजा हुआ, सजा धजा विशाल बड़ा सा टॉप हैट पहन लिया। ही बिकेम अ फुल्ली ड्रेस्ड, पूरे कपड़े पहन लिए। एंड विजिबल पर्सन, और कपड़े पहन लेता है तो ऐसी ड्रग है, सबको पता है कि वो विजिबल हो जाता है, और कपड़े रिमूव कर देता है तो फिर वो इनविजिबल हो जाता है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरों ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। रेस्टोरों के किचन में उसने कोल्ड मीट, ठंडा मीट खाया पाया यानी, एंड कॉफ़ी, और कॉफ़ी ली। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, और खाने के बाद उसने क्या ली, स्वीट्स ली। एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और उस ग्रोसरी की स्टोर से, उस पंसारी की दुकान से उसने वाइन भी ली। तो यहाँ तक क्या है, अब ग्रिफिन जो है एक स्टोर में आ चुका है। ही हैज़ एंटर्ड अ स्टोर, व्हेन क्लोजिंग टाइम केम ही जस्ट पुट ऑन द क्लॉथ्स एंड वॉर्म्स हिमसेल्फ, कपड़े पहनता है और अपने आप को गर्म करता है, और फिर वो ही एट द फूड, खाना खाता है, वाइन लेता है और अच्छे से इंजॉय करता है। आगे चलते हैं। इन द किचन, फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और अंत में वो सेटल डाउन हो गया, सो गया, सोने के लिए चला गया ऑन अ पाइल, पाइल मीन्स हीप, ढेर ऑफ क्विल्ट्स, क्विल्ट्स मीन्स रजाइया, मोटा सा कपड़ा होता है ना उसको बोलते हैं क्विल्ट्स। सर्दियों में आप जिसे ओढ़ते हैं, ओढ़ के सोते हैं उसको बोलते हैं, आजकल ब्लैंकेट कंबल आ गया, नहीं तो पहले क्या होती थी, क्विल्ट्स होती थी, रजाइया। तो रजाइयों के ढेर पर वो सो गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, यदि ग्रिफिन अच्छे से जल्दी उठ जाता, all might have been well, तो सब कुछ ठीक ठाक रहता। As it was, जैसा कि ये था, he did not wake up, वो जगा नहीं until the assistants were already arriving next morning, जब तक कि असिस्टेंट जो थे शॉप के, वो सहायक
कर्मचारी वो आ ना गए अगली सुबह। व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम, जब उसने देखा ग्रिफिन ने दो आदमियों को, अब देखो यहाँ उसने हैट उतार रखी है तो कैसे भागता हुआ नज़र आ रहा है, जस्ट चेक कीजिए, तो ये कौन है, ये जो है आपका ये ग्रिफिन है, लॉलेस पर्सन, ठीक है ना, ये ग्रिफिन है। और ये जो दो हैं ये उस स्टोर के असिस्टेंट्स हैं जो ग्रिफिन के पीछे भाग रहे हैं, और ये इसका हैट है जिसको उसने उतार दिया है, तो ये हैड विहीन हो गया अब, है ना। तो आगे चलते हैं, अप्रोचिंग मीन्स आगे बढ़ते हुए, ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, वो परेशान हो गया और एंड बिगेन टू रन, और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेस, वो भी स्वाभाविक रूप से उसके पीछे पीछे दौड़े। इन द एंड, अंत में ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, जल्दी से उसने एक एक करके ऑफ कर दिए, उतार दिए, तब बचा वो, अपने सारे कपड़े उतारे तो सीधी सी बात है वो इनविजिबल होगा। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, एक बार फिर से उसने अपने आप को पाया अदृश्य, नेक्ड मीन्स बिल्कुल नंगा, विदाउट क्लोथ्स, इन द चिल जनवरी एयर, जनवरी की देखो कितनी चिल होती है, कितनी ठंडी हवा होती है उसमें। दिस टाइम ही डिसाइडेड, इस समय उसने निर्णय लिया, दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन द शॉप, इस टाइम उसने निर्णय लिया कि वो स्टॉक पे चला जाएगा उस थिएट्रिकल कंपनी में, इन द होप, इस उम्मीद से, ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, कि उसे ना केवल वहाँ कपड़े मिलेंगे बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस, जिससे कि उसके खाली स्थान को भी वो ढक लेगा अबाउ हिज शोल्डर्स, जो उसके कंधों के ऊपर था। शिवरिंग विद कोल्ड, अब कपड़े थे नहीं तो कांपते हुए ठंड से, ही हरीड टू ड्रेरी लेन, तो जल्दी से किस तरफ गया, ड्रेरी लेन, वहाँ किया था ना 6-7 point समरी में, ड्रेरी लेन वो माइंड आ रहा है ना, हाँ तो वहाँ चला गया। ड्रेरी लेन क्या है, वहाँ बताया था द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, थिएटर वर्ल्ड का केंद्र। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, शीघ्र ही उसे एक सुटेबल मीन्स उचित शॉप ढूंढ ली उसने। ही मेड इज वे, अपना रास्ता बनाया, इनविजिबल अदृश्य हो गया, अपस्टेयर्स ऊपर गया, एंड केम आउट अ लिटल लेटर, और थोड़ी सी देर में ही वापस आ गया। अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटल लेटर वेयरिंग बैंडेजेज राउंड हिज फोरहेड, और बाहर आया थोड़ी सी देर बाद वेयरिंग बैंडेजेज ऑन हिज फोरहेड, अपने माथे पर बैंडेज लगाए हुए। डार्क ग्लासेस, गहरे काले ग्लास पहने हुए। फॉल्स नोज, एक नकली सी नाक लगाए हुए। बिग बुसी साइड विस्कर्स, और बड़ी बड़ी डार्क बुसी मीन्स डार्क साइड विस्कर्स होता है, गलमुछे, यहाँ तक मूछे आ जाती है ना, जो देखो मस्टेज तो ये होती हैं यहाँ तक, लेकिन जब यहाँ तक आ जाती है स्टाइलिश वे में, अंग्रेज़ों को देखा होगा बहुत सारों को, या वो जो पाकिस्तान गए थे अपने कैप्टन कौन से थे वो उनकी गलमुछे तो यहाँ तक आई हुई थी, तो उसे बोलते हैं बिग बुसी साइड विस्कर्स, गलमुछे, बड़ी बड़ी मूछों के साथ, एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ी सी हैट के साथ वो बाहर आया। टू एस्केप विदाउट बींग सीन, बिना दिखे बचने के लिए, ही कैलसली अटैक्ट, उसने डेंजरसली पैनिकली निर्दयतापूर्ण तरीके से अटैक कर दिया, किस पे, द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। अब देखो भैया, अदृश्य होके पीछे से कोई मारता है तो कितना बुरा लगता है, कितना दर्द होता है, ठीक है ना, फ्रॉम बिहाइंड। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, उसके बाद उसने उसको क्या किया, लूट लिए, यानी उसके पैसे निकाल लिए। ऑफ ऑल द मनी, रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, उस सारे पैसे के साथ जितना वो पा सकता था, ढूंढ सकता था। तो अब तक आपने क्या देखा, अपना बैंडेज लगा, फॉल्स नोज, बिग बुसी साइड विस्कर्स, लार्ज हैट, ये सारी चीज़ें पहन के वो बाहर आया, और फिर बिना दिखे वहाँ से निकल गया, और कैलसली उसने आक्रमण कर दिया शॉपकीपर पे, बिहाइंड से, पीछे से, और उसके बाद ही रॉब्ड द शॉपकीपर विद ऑल इज मनी, अपने पूरे पैसे के साथ। ओके, आगे देख। अब प्यारे बच्चों, आई थिंक यू आर एबल टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस विच वर आस्ड अबव, जो ये क्वेश्चन पूछे थे कि हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, कैसे विजिबल बना, इनविजिबल था तो इनविजिबल कैसे बना, तो सीधी सी बात है, ही स्टार्टेड वेयरिंग क्लॉथ्स, है ना, तब बना। व्हाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, गली में क्यों वॉन्डर कर रहा था, क्योंकि उसने सेट फायर कर दी थी, आग लगा दी थी अपने लैंडलॉर्ड के घर में, और तब वो गली में घूम रहा था,
है ना। अब यहाँ क्वेश्चंस हैं, व्हाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट असेंट्रिक। मिसेज हॉल ने, अब नेक्स्ट एपिसोड आएगा, मिसेज हॉल उसको सन की विम्सिकल, असेंट्रिक मीन्स विम्सिकल, सन की क्यों पाती है वैज्ञानिक को। सेकंड है, व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी, स्टडी रूम जो था वो कैसी विचित्र घटना घटी वहाँ, क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज, विचित्र। और थर्ड है, व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन, इन होती है सराय, स्मॉल प्लेस रहने का, ठीक है ना, जिसमें कुछ टाइम के लिए रहते, तो उस इन में क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग घटित हुई, तो देखते हैं। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आईपिंग, क्योंकि वो उत्सुक था जाने के लिए वहाँ से। गेट अवे, गेट अवे होता है बच के जाना, फ्रॉम क्राउडेड लंदन, भीड़ भाड़ में तो परेशानी होगी ना लंदन से। ही टुक अ ट्रेन, उसने एक ट्रेन पकड़ी आईपिंग विलेज के लिए। वेयर ही बुकड टू रूम्स एट द लोकल इन, उसने आम इन में, लोकल इन होती है सराय, उसमें दो कमरे बुक कर लिए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजल इवेंट। उस इन में उस स्ट्रेंजर का, अजनबी का आना सर्दियों के टाइम में एक अनयूजल इवेंट था, असाधारण घटना थी, क्योंकि सर्दियों के टाइम में कोई वहाँ आता नहीं था और ये साइंटिस्ट आ रहा था, आया था, तो ये अजीब बात थी। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग, एक अजनबी इस तरह की अनकॉमन अपीयरेंस, असाधारण अपीयरेंस के साथ, सेट ऑल टंग्स वैगिंग, वहाँ उसके बारे में सब खुशफुसाहट, वैगिंग मीन्स विस्परिंग, खुशफुसाहट कर रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे। मिसिज हॉल कौन है, प्रॉपर नाउन को कोमा लगाया है तो बताएंगे, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसिज हॉल कौन है, लैंडलॉर्ड की वाइफ है। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने हर तरह का प्रयास किया कि वो ग्रिफिन की फ्रेंड बन जाए। बट ग्रिफिन एंड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन उसे बात करने का कोई शौक नहीं था, इच्छा नहीं थी। एंड टोल्ड हर, और उसने क्लियरली बता दिया मिसिज हॉल को, माई रीजन फॉर कमिंग टू आईपिंग इज अ डिज़ायर टू फॉर सॉलिट्यूड, मेरा यहाँ आने का कारण है ना आईपिंग विलेज में, वो सॉलिट्यूड है, एकांत है, लोनलीनेस है, मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला रहूँ। आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड, मैं नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू डिस्टर्ब मी, मैं किसी को नहीं चाहता जो मुझे डिस्टर्ब करे इन माई वर्क, मेरे काम में, यानी मैं अपने काम में दखलंदाजी नहीं चाहता, इंट्रूडर मैं किसी को पसंद नहीं करूँगा, घुसपैठिया। बिसाइड्स, इसके साथ साथ एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और इसके साथ साथ उसने मिसिज ओल को बताया कि एक एक्सीडेंट ने उसके चेहरे पर भी प्रभाव डाला है। साइंटिस्ट स्टार्ट है ना, यस गोइंग, सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, संतुष्ट होके कि उसका जो गेस्ट है वो एक एसेंट्रिक मीन्स विम्सिकल, विम्सिकल मीन्स सनकी वैज्ञानिक है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और इस बात में दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, कि भाई पहले पैसे भी दिए, एडवांस में पैसे दिए, मिसिज ऑल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, मिसिज हॉल जो थी वो तैयार थी उसको माफ़ करने के लिए उसकी अजीब अजीब आदतें और उसका इरिटेबल, इरिटेट करने वाला, परेशान करने वाले स्वभाव को भी माफ़ करने के लिए तैयार थे मिसिज ऑल। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, उसने पहले एडवांस में पैसे दिए हुए हैं, किराया दिया हुआ। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, सीधी सी बात है भाई, चुराया हुआ पैसा लूट लिया था ना वहाँ, वो ज़्यादा दिनों तक चला नहीं। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और अब ग्रिफिन को स्वीकार करना था दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास कैश नहीं था। ही प्रिटेंडेड, उसने यद्यपि प्रिटेंड किया, शो ऑफ किया, दिखावा किया, हाउ एवर यद्यपि, दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि उसका चेक जो है, ही वॉज एक्सपेक्टिंग टू अराइव अ चेक एनी मोमेंट, किसी भी क्षण उसका चेक जो है वो आ सकता था। उसने प्रिटेंड किया, शो ऑफ किया, क्योंकि पैसे तो ख़त्म हो गए थे। शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, इसके तुरंत बाद एक क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज एपिसोड ऑकर्ड मीन्स हैपन्ड, घटित हुआ, एक अजीब सा व्यवहार हुआ, अजीब सा घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्गीमैन, सुबह सुबह जल्दी ही, क्लर्गीमैन कौन होता है, पादरी होता है, क्लर्गीमैन जो होता है पादरी होता है। एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइसेस इन द स्टडी, स्टडी रूम में कुछ शोर शराबा हुआ, कुछ शोर हुआ, नॉइसेज हुआ, उससे क्लर्गीमैन और उसकी पत्नी जाग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, क्रीपिंग होता है रेंग के चलना, क्रीपिंग मीन्स स्लोली मूविंग, धीरे धीरे नीचे डाउन स्टेयर्स जाके उन्होंने देखा, दे हर्ड द चिंक
ऑफ मनी, पैसों के खनकने की आवाज़ सुनी, चिंक ऑफ मनी, पैसों के खनकने की आवाज़, बींग टेकन फ्रॉम द क्लर्गीमैन्स डेस्क, तो डेस्क जो क्लर्गीमैन के डेस्क से चुराए जा रहे थे पैसे, वहाँ से उसे पैसों के खनकने की आवाज़ सुनाई दी और उसके डेस्क से पैसे चुराए जा रहे थे। द मनी इज़ बींग स्टोलन, चुराई जा रही है वहाँ से मनी, तो उन्होंने देखा लेकिन कोई व्यक्ति नज़र नहीं आया। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना शोर किए, एंड विद अ पोकर ग्रेस्प फर्मली, और पोकर जो होता है खुरचने वाला, अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र के साथ जो खुरचता है, खोदता है, कुरेदता है, पोकर ग्रेस्प फर्मली उसको पकड़े हुए, इन इज हैंड, अपने हाथों में, क्योंकि वो मारने वाले थे ना, उसको देखें भाई कौन चोरी कर रहा है, पिटाई करेंगे। द क्लर्गीमैन फ्लंग ओपन द डोर, धड़ाम से फ्लंग ओपन होता है एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके से दरवाज़ा खोल दिया। सरेंडर, जैसे तुम नहीं बोलते हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर करो, उसने वैसे ही उसने कहा सरेंडर, सरेंडर कीजिए। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. लेकिन उसे उसे आश्चर्य हुआ, amazement हुआ जब उसे ये महसूस हुआ कि कमरा तो खाली था। He and his wife looked under the desk. उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, and behind the curtains, and also try to find out someone behind the curtain, और किसी को पर्दे के पीछे भी देखा, and even up the चिमनी, और ऊपर चिमनी में भी, लेकिन कहीं कोई मिलने वाला था नहीं। देर वॉजेंट अ साइन ऑफ एनीबडी, जब ग्रिफिन इनविजिबली हुआ हुआ था तो वहाँ किसका साइन मिलने वाला था, किसी का कोई चिन्ह नहीं था वहाँ। यट द डेस्क हैड बीन ओपन, लेकिन डेस्क तो खुला हुआ था, ड्रॉअर तो खुला हुआ था, एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो घर का रखा पैसा था वो गायब हो रहा था, घट रहा था, कम हो रहा था, मिस हो रहा था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, स्ट्रेंज बात है, विचित्र बात है। द क्लर्गीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरा दिन क्लर्गीमैन कहता रहा पूरा दिन कि बड़ी विचित्र घटना घटी, बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर अ लेटर लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनर नहीं थी जितनी मिसिज हॉल का व्यवहार था, एज द बिहेवियर और मिसिज हॉल्स फर्नीचर, मिसिज हॉल का फर्नीचर इधर उधर मूव कर रहा था ना, कोई व्यक्ति था नहीं और फर्नीचर इधर उधर घूम रहा था, मिसिज हॉल के जो फर्नीचर का बिहेवियर था, अ लिटल लेटर दैट मॉर्निंग, उस सुबह थोड़ी देर बाद, यानी फर्नीचर इधर उधर हिलना स्टार्ट हुआ, वो बहुत अजीब था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी जो थी वो जाग गए थे बहुत जल्दी, जान गए थे बहुत जल्दी, एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और वो आश्चर्यजनक आश्चर्यचकित थे ये देखकर कि जो साइंटिस्ट था उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, आमतौर पर इट वॉज शट एंड लॉक्ड, ये तो बंद भी होता था और दरवाज़ा बंद होता था और इसको लॉक लगा होता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड इज रूम, और साइंटिस्ट कैसे होता था, फ्यूरियस हो जाता था, एंग्री हो जाता था, नाराज हो जाता था यदि कोई उसके रूम में एंटर करता तो। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, अब उन्हें अवसर बहुत अच्छा लगा कि इसको मिस नहीं करना चाहिए, यानी इसके अंदर जाना चाहिए रूम में। दे पीप्ड राउंड द डोर, पीपिंग होता है ना पीप होल में से, छिद्र में से देखना, तो दे पीप्ड राउंड द डोर, उसने दरवाजे में से झांक के इधर उधर देखा, सो नोबडी, कोई भी नहीं था। देखो सा नहीं बोलते इसको, ये होता है सो, जैसे ओल बोलते हो ठीक है ना, टोल ओल, ऐसे ही ये सा नहीं होता, ये होता है शो, जैसे एल ए डब्ल्यू ला नहीं होता, लो होता है, ऐसे ही एस ए डब्ल्यू शो, नोबडी, किसी को नहीं पाया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने का निर्णय लिया। दे पीप्ड राउंड द डोर, चारों तरफ, सॉरी, द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो कपड़े थे बेड पे वो कोल्ड थे, इसका मतलब सीधी सी बात है, सर्दियों में आप कपड़ों में होते हो, बेड पे होते हो तो वार्म होते हैं ना, गर्म होते हैं, और ठंडे होने का मतलब है कि यहाँ से बहुत जल्दी ही कोई जा चुका है। Showing that the scientist must have been up for some time, ये दिखा रहे थे कि साइंटिस्ट जो था उनसे पहले ही वहाँ से जा चुका था। And stranger still, और अभी भी अजीब, वो अजीब ही था, and stranger still, उनके लिए ये भी अभी भी अजीब ही बात थी कि the clothes and bandages that he always wore were lying about the room, जो क्लोथ्स, कपड़े और बैंडेजेज जो वो हमेशा पहने रहता था
वो इधर उधर बिखड़े पड़े थे, लाइंग अबाउट द रूम, वो कमरे में ही पड़े हुए थे। थोड़ा सा और रह गया मेरे प्यारे बच्चों। ऑल ऑफ अ सडन मिसिज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। ऑल ऑफ अ सडन मिसिज हॉल ने हर्ड अ स्निफ, स्निफ होता है स्नीजिंग, छी छी की आवाज़ सुनी क्लोज टू हर ईयर, उसके कान के पास ग्रिफिन ने क्या किया, छी। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप, और एक क्षण ही बाद जो बिस्तर पे, सिरहाने पे, बिस्तर के बेड पोस्ट पे जो कैप रखी हुई थी, जो टॉप रखा हुआ था, टोपी रखी हुई थी, हैट थी, लेपटॉप, वो उछलने लगी, उछल पड़ी, एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और ये टोपी अपने आप उसके चेहरे से टकराई। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, यू शुड इमेजिन यू आर देयर इन योर हाउस एंड यू आर अलोन, एंड सडनली वन ऑफ योर हैट्स जस्ट स्ट्रक्स अगेंस्ट योर माउथ, देन हाउ विल यू फील, कैसा महसूस करोगे आप? आप अकेले हो अपने घर में और अचानक आपका कोई कपड़ा, कोई कैप, आपकी टोपी आपके मुंह पे नीचे से उठ के लगे, तो आपको कैसा लगेगा? देखो कैसा लगता है उन्हें। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, तब जो बेडरूम की चेयर थी वो जीवित हो उठी, जीवित होने का मतलब है इधर उधर घूमने लगी। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर, स्प्रिंगिंग मीन्स उछलते हुए हवा में, इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, ये उसकी तरफ आई सीधी, चार्ज स्ट्रेट एट हर का मतलब होता है उसके ऊपर आई सीधी, मिसिज हॉल के ऊपर आई, लेग्स फॉरमोस्ट, और मिसिज हॉल के माउथ की तरफ क्या थे, उसके लेग थे, किसके लेग, चेयर के, यानी चेयर जो थी लेग की तरफ से आई, तो कितना पेन होता उसको यदि लग जाती तो। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, जैसे वह और उसका पति जो थे वो भय से कांपने लगे, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, वो असाधारण चेयर ने उन दोनों को रूम से बाहर भगा दिया, एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और तब क्या हुआ, धड़ाम से दरवाज़ा बंद हुआ और उन लॉक लग गया दरवाजे। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स, मिसिज हॉल जो थी ऑलमोस्ट फेल डाउन, वो नीचे गिर गई सीढ़ियों पे, इन हिस्ट्रिक्स, अनकॉन्शियस होते हुए, एक तरह का दौरा उसे पड़ते हुए, सदमे में वो एक तरह से बेहोश हो गई। शी वॉज कन्विंस्ड दैट, उसे मनाया गया कि द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, कि अब वो मान चुकी थी कि इस कमरे में जो थे भूत प्रेत थे, स्पिरिट थी, भूता था, ये हॉन्टेड हो चुका था, प्रेतात्माएं थी, एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कोज्ड दीज टू एंटर इन टू द फर्नीचर, और इसी तरीके से स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कोज्ड, और अजनबी इसका कारण था दीज का, इन प्रेतात्माओं का, टू एंटर, कि उन्होंने प्रवेश किया इन टू अर फर्नीचर, वो उसके फर्नीचर में आ गई थी सारी प्रेतात्माएं, उस अजनबी के कारण, उस ग्रिफिन के कारण, उस साइंटिस्ट के कारण। माय पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, सी मोंड, मिसिज हॉल कराई, रोई, मोंड होता है वीपिंग, रोना, कराहना, सिसकी लेना, तो मेरी माँ बैठा करती थी उस चेयर पे, तो माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, सी मोंड, सी कौन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मिसिज हॉल है, तो और किसको कह रही है, अपने आप को वो मर्मरिंग कर रही है, मोंड कर रही है, रोते हुए कह रही है, टू थिंक, ये सोचते हुए, इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, कि अभी ये मेरे सामने आ जाएगी। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट, पड़ोसियों के बीच में ये भावना थी, ये सोच थी कि दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट, कि जो ये समस्या आई थी ना, ये विच क्राफ्ट के कारण आए थे, सुपर नेचुरल एलिमेंट के कारण आए थे, जादू टोने के कारण आए थे, विच क्राफ्ट क्या था, सुपर नेचुरल एलिमेंट, जादू टोना, बट विच क्राफ्ट और नॉट, लेकिन जादू टोना या नहीं, वेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्गीमैन्स होम बिकेम नोन, जब समाचार पता चला बर्गलरी का, बर्गलरी होता है थेफ्ट, चोरी का, क्लर्गीमैन के हाउस, क्लर्गीमैन से चुरा लिए थे ना कोइन, हाँ याद है ना, बिकेम नोन, जब से पता चला है सभी को, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, तभी से जो वो विचित्र वैज्ञानिक था उसका हाथ इस चोरी में भी और इस अटैक पे भी
मिसेज हॉल के ऊपर जो अटैक किया था और जिसको वो भूत प्रेत का मान रहे थे, इसमें संदेह किया जाने लगा उस वैज्ञानिक पे। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रोंगर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी गैस। संदेह और गहरा हो गया जब उसने अचानक कैश दिखाया। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। यद्यपि उसने थोड़े ही दिन पहले ये एडमिट किया था ही हैड नो मनी, कि उसके पास तो कोई पैसा ही नहीं है, और अभी पैसा आ गया तो डेफिनेटली ही हैड स्टोलन, वो उसने ही चोरी की थी, और ये सारी इंसिडेंट्स इसी के कारण हो रही थी। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। अब चोरी छुपे कोई कॉल कर देता है ना पुलिस को, तो ऐसे ही विलेज के कॉन्स्टेबल को गुपचुप तरीके से सीक्रेटली उसको मैसेज भेजा गया, सेंट फॉर बुलावा भेजा गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल का वेट किए बिना ही मिसेज ऑल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसेज ऑल साइंटिस्ट के पास चली गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो जैसे तैसे रहस्यमय तरीके से मिस्टीरियस तरीके से अपीयर्ड नज़र आया फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, अपने खाली बेडरूम में रहस्यमय तरीके से वहाँ नज़र आया कौन, साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, मैं जानना चाहती हूँ आप क्या कर रही थी मेरे चेयर्स पे ऊपर अपस्टेयर्स, सी डिमांडेड। मिसेज हॉल ने उससे पूछा वैज्ञानिक से, तो आई कौन है यहाँ, आई मिसिज हॉल है यहाँ। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि कैसे तुम आए इस खाली रूम में से, एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और कैसे तुमने प्रवेश किया एक लॉक्ड रूम में। नाउ मिसिज हॉल इज एक्सप्रेसिंग दैट हाउ ही एंटर्ड द रूम, अब उससे एक्सप्रेस करिए कि तुम कमरे में कैसे आए। अब देखो प्यारे बच्चों, ये कितना अच्छा सीन नज़र आ रहा है आपको, देखो ये वैज्ञानिक है, ग्रिफिन है ये, देखो कैसे ये इसको अपने इसको उतार रहा है ना, और ये कॉन्स्टेबल है, सीधी सी बात है, ये मिसिज हॉल है, ये मिस्टर हॉल है, तो और ये नेबर्स हैं, है ना, ये मिसिज हॉल, मिस्टर हॉल, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट ग्रिफिन, और ये कॉन्स्टेबल, ठीक है। तो कैरेक्टर्स तुम्हें पता होने चाहिए, आगे चलते हैं। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, जो वैज्ञानिक था ना उसको गुस्सा बड़ा जल्दी आ जाता था, क्विक टेम्पर्ड था। ही बिकेम एंग्री सून, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, नाउ ही बिकेम एंग्री, अब वो नाराज हो चुका था। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तो मैं समझते नहीं कि मैं कौन और क्या हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाया, वेरी वेल आई विल शो यू, मैं दिखाऊंगा तुम्हें अब, मैं दिखाऊंगा अब तुम्हें, कौन कह रहा है ये, ये कह रहा है साइंटिस्ट, मैं दिखाऊंगा अब तुम्हें, यानी कि ही बिकेम एंग्री। सडनली ही थ्रू अप बैंडेजेज, अचानक उसने बैंडेजेज उतार के फेंक दिए, देखो ये उतारने लग रहा है वो बैंडेजेज, नज़र आ रहा है ना इसके हैंड में, ये बैंडेज उतार रहा है वो, ठीक है ना। तो सडनली उसने अपनी बैंडेज जो थे उतार दी, विस्कर्स, और वो अपने विस्कर्स भी उतार दी, जो गलमुच्छे थी, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स अपने चश्मे भी उतार दिए, एंड इवन नोज, और यहाँ तक भी अपनी नाक भी उतार के, जो फॉल्स नोज लगाई हुई थी ना नकली नाक, उसको भी उतार के फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, एक मिनट में ये सारा काम कर दिया। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, भयभीत, हॉरिफाइड होता है डरे हुए एक तरह से, भयभीत, आतंकित, स्केयर्ड, हॉरिफाइड पीपल इन द बार, जो उस बार में वहाँ पे जो भयभीत लोग खड़े हुए थे, उन्होंने पाया स्वयं को स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, वो घूर रहे थे उस बिना सर के आदमी की तरफ, देखो कैसे स्ट्रेंज है वो, उस बिना सिर के आदमी की तरफ कैसे देख रही है। मिस्टर जेफर, अब इस कॉन्स्टेबल का क्या नाम है बच्चों, जिसके हाथ में हैंडकफ्ड है, हैंडकफ है ना, हथकड़ी, ये रही, ये हैंडकफ्स है और ये कॉन्स्टेबल है, तो इसका नाम क्या है, मिस्टर जेफर, मिस्टर जेफर द कॉन्स्टेबल, कौन है ये कॉन्स्टेबल, नाउ अराइव्ड, आ गया, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हैड, और वो आश्चर्यचकित था कि कैसे उसे अरेस्ट करना था उस व्यक्ति को जिसके बॉडी पे हैड ही नहीं है, बिना सर के व्यक्ति को, सर कटे व्यक्ति को उसे अरेस्ट करना था, ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट हैड, बट जेफर वॉज नॉट ईजीली prevented from doing his duty, लेकिन आसानी से वो अपनी ड्यूटी से नहीं बच सकता था। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ordered a person's arrest, यदि किसी मैजिस्ट्रेट ने, किसी जज ने वारंट निकाला है
रिटर्न पेपर दिया है, उसको वारंट निकाल के दिया है कि उसे ऑर्डर दिया है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करना है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड। तो उस व्यक्ति को तो फिर अरेस्ट किया ही जाना चाहिए विद और विदाउट इज हैड, चाहे उसके सर पे बॉडी पे सर है या नहीं है, ही हैड टू बी अरेस्टेड इफ़ द मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड ऑफ सच अ पर्सन। इस तरह के यदि व्यक्ति का और ऑर्डर दिया है मैजिस्ट्रेट ने तो उसको तो अरेस्ट करना ही पड़ेगा। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन। वहाँ रिमार्केबल सीन, बड़ा ध्यान देने योग्य सीन बनता है जब पुलिसमैन ने कोशिश की उसके ऊपर होल्ड करने की, उसको पकड़ने की। हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो बन रहा था और इनविजिबल यानी अदृश्य होता जा रहा था, जैसे जैसे करके वो अपने एक एक कपड़े उतार रहा था ना, ऐसे ऐसे वो अदृश्य होता जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसे ही एक के बाद एक वो अपना कपड़ा उतारता जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इन टू द एयर, और अंत में एक शर्ट जो थी लहराने लगी हवा में। एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी, और कॉन्स्टेबल संघर्ष करते हुए पाता है अपने आप को उस व्यक्ति के साथ जिसको वो देख भी नहीं सकता, यानी मैं उससे लड़ रहा हूँ, आई एम फाइटिंग विद दैट अबाउट होम आई एम नॉट एबल टू सी, जिसको मैं देख ही नहीं पा रहा, मैं उससे लड़ रहा हूँ। सी एट All some people tried to help him, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, but found themselves hit by blows, लेकिन उन्होंने पाया अपने आप को blows, प्रहार होते हुए, उन पर blows होता है ये fist, मुक्के के प्रहार होते हुए पाया। That seemed to come from nowhere, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि इधर से आ रहे थे या उधर से आ रहे थे, क्योंकि जो ब्लोज थे वो तो नज़र आ नहीं रहे थे। मिस्टर इंडिया मूवी देखी है ना बच्चों, अनिल कपूर जी, तो वो इनविजिबल हो जाते हैं और इधर उधर से उनकी लास्ट में मूवी में उनकी जो विलेंस है उनकी पिटाई करते हैं, तो उसमें भी द विलेंस वर नॉट एबल टू सी द ब्लोज फ्रॉम वेयर दे आर दे वर कमिंग, कहाँ से आ रहे थे वो नज़र ही नहीं आ रहे थे उन्हें। इन द एंड, अंत में जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, जेफर जो था उसको गिरा दिया गया, नॉक्ड डाउन होता है गिरा देना, अनकॉन्शियस होता है बेहोश करके, फेंटेड बेहोश कर, इतनी मार पड़ी उस पर कि ही बिकेम अनकॉन्शियस। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, जैसे उसने अंतिम प्रयास किया था उस बिना दिखने वाले साइंटिस्ट को अरेस्ट करने का, उसको उस पर होल्ड करने का, लेकिन उस पर उतनी बुरी पिटाई हुई कि वो बेहोश हो गया। देयर वर नर्वस, वहाँ नर्वस एक्साइटेड क्राइज थी ऑफ होल्ड हिम, वहाँ असहज होते हुए और एक्साइट होते हुए रुचिकर चीख चिल्लाहटे थी। आपने देखा होगा जब चोर आ जाता है तो कोई चोर को नहीं पकड़ता, सब कहते हैं होल्ड हिम, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर 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 चोर, ये सब कहते हैं ना बच्चों, लेकिन पकड़ता कोई नहीं। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, उसको पकड़ो पकड़ो, ये क्राइज थी। बट दिस वॉज इजियर सेड देन डन, लेकिन कहना आसान है करना मुश्किल है। इट इज़ ईजी टू से बट डिफ़िकल्ट टू डू, लेकिन कहना आसान है करना मुश्किल है। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन स्वयं को फ्री करा चुका था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को नहीं पता था कि कहाँ उसकी तरफ हाथ बढ़ाया जाए। एच जी वेल्स, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, कमेंट करना है हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट, कैसे मानते हो एक ग्रिफिन को साइंटिस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस, और एक बार और देख लेते हैं। ग्रिफिन जो है वो असेंट्रिक साइंटिस्ट है, लॉलेस पर्सन है, डिस्कवर ड्रग करता है, इनविजिबल हो जाता है, फिर लैंडलॉर्ड के पास, आपको ब्रीफ में कर रहे हैं ना अब रिवीजन, क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर समरी एक तरह से, लैंडलॉर्ड है उसके घर में ग्रिफिन आग लगा देता है, फुटप्रिंट्स उसके नज़र आते हैं, फिर टू लंडन बॉयज सरप्राइज हो जाते हैं, लंडन स्टोर पर जाता है टू क्लॉथ्स
कपड़े लेता है और फिर जब सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग दो सर्वेंट आते हैं तो फिर भाग जाता है, ड्रेरी लेन में आता है, शॉप पे जाता है, वहाँ शॉपकीपर पे अटैक करता है, पैसा हड़पता है, लूटता है और भाग जाता है आइपिंग विलेज मिसेज हॉल, और वहाँ उसको पेड कर देता है एडवांस में, और फिर वहाँ मिसेज हॉल पे ही अटैक कर देता है। क्लर्गी मैन के वहाँ चोरी होते हुए भी नज़र आती है लेकिन कोई नज़र नहीं आता, मिस्टर एंड मिसेज हॉल पे अटैक करता है, फिर मिस्टर जेफर जो कॉन्स्टेबल है वो आता है, उससे भी काफ़ी लड़ाई होती है और ग्रिफिन जो है उसको बेहोश कर देता है, उसको अनकॉन्शियस कर देता है। तो प्यारे बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू। Have a good day.